जो भी है
उनको 15,000 कदम चलना चाहिए, कम से कम 15,000। 12,000 कदम लड़कियां चल सकती है, क्योंकि लड़कियों में थोड़ी स्टेमिना कम होता है, लड़कों में ज्यादा होता है, तो ये देखना आप लोगों को। उसके बाद 18 से 40 साल की जो उम्र है, जो पुरुष है, मतलब 18-40 की एज में मोस्ट लोग या 18 से 40 की एज के लोग बैठे हैं, उनको 12,000 कदम चलना चाहिए, कम से कम 12,000 कदम। 12,000 कदम चलेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, और महिलाओं के लिए भी बराबर ही है, क्योंकि 40 की उम्र में दोनों सेम हो जाते हैं, स्टेमिना दोनों को बराबर रहता है। 40 से 50 की उम्र में 11,000 कदम चलना जरूरी है, ये आप नोट करें। जितना चलेंगे उतना, आप नहीं चलोगे तो दवाइयां चलेंगी, एक चीज को चलना है, आप चलोगे तो दवाइयां नहीं चलेगी, आप नहीं चलेंगे तो दवाइया चलेगी, पक्का चलेगी दवाइयां। उसके 50 से जब ज्यादा उम्र हो जाती है तो थोड़ा स्टेमिना कम हो जाता है, तो 11,000 कदम चलने के लिए बोला गया, मैक्सिमम 11,000 कदम आप चल सकते हैं। 50 से 60 की उम्र जब आती है तो आप 10,000 कदम चल सकते हैं, और 60 से ऊपर जो है आपको 8,000 कदम चलने के लिए बोला गया है। और ये मॉर्निंग वॉक के 11 फायदे बता रहा हूँ। जब मॉर्निंग वॉक के लिए जब आप निकलते हो तो उनको खुश रहना चाहता है, जिसको मतलब टेंशन रहती है या मेंटली डिस्टर्ब रहता है, तो मेरे कहने से आप सुबह का वर्कआउट मतलब जो होता है सुबह पार्क में करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आपका। सुबह 5 बजे से निकल जाइए आप देखेंगे आपको जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है। जो जिस बोल रहे मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, सुबह आप घूमना शुरू कीजिए, सुबह घूम के आइएगा और फिर आके वर्कआउट कीजिएगा, आप देखेंगे जबरदस्त रिजल्ट आएगा, क्योंकि सेहत जरूरी बहुत जरूरी है। आपके पैदल चलेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग है और अच्छी हैबिट रहेगी आपको सुबह उठने के लिए। गठिया भाव, जिस चीज को गठिया भाव आता है, गठिया भाव जिसको आता है उसके लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी बोलते हैं, मुझे यूरिक एसिड था, डॉक्टर ने मुझे बोला था 45 मिनट डेली इवनिंग मॉर्निंग में आपको घूमना है, घूमना है, नहीं तो आपका यूरिक एसिड आपका गाउट्स आपके किडनी में जा सकता है, किडनी में चला जाएगा तो समझ लो आपको स्टोन बनना शुरू हो जाएगा, और उसका इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है। जितना ज्यादा चलेंगे तो बेनिफिट होगा, के साथ साथ पानी का इंटेक पीना, पानी का इंटेक बढ़ाना है, वाटर इंटेक जितना बढ़ाएंगे उतना फायदा रहेगा आपको। डिप्रेशन से मुक्ति, डिप्रेशन आपको बिल्कुल नहीं आएगा, जब आप चलोगे पसीना निकलेगा, शरीर ठंडा रहेगा, बिल्कुल सही हो सकते हो आप। आपको शरीर में हार्ट अटैक की जो आजकल समस्या चल रही है, डिप्रेशन से हार्ट अटैक आता है, डिप्रेशन जब बढ़ता है अकेलापन महसूस करता है आदमी तो उसको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो आपको सुबह जरूर निकलना है, घूमने के लिए जाइएगा, मॉर्निंग वॉक कीजिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट आने वाला है। और मधुमेह, जैसे कि शुगर का नियंत्रण, कोशिश जी बोल रहे हैं कि इनका बिल्कुल अच्छा हो गया शुगर, अब एक रिजल्ट और मिला था, उन्होंने बोला कि मेरा भी शुगर सही हो गया है, 5 दिन में शुगर सही हो गया है। तो हम किसी बीमारी का क्लेम नहीं करते, बट जब पसीना शरीर से निकलता है तो ऑटोमेटिकली आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होना शुरू रहता है। तो आपको 30 मिनट्स कम से कम घूमना जरूरी है, 45 मिनट्स घूमेंगे तो और अच्छा रहेगा, कम से कम 30 मिनट्स आपको घूमना है। हार्ट की जो समस्या होती है, हृदय स्वास्थ्य है, मॉर्निंग वॉक का सबसे बेनिफिट फायदा है कि आपकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। इससे जब आप पैदल चलते हैं तो हार्ट बीट थोड़ी तेज होती है, ब्रिक्स वॉक कीजिएगा स्टार्टिंग में, मैं नहीं बोल रहा ब्रिक्स वॉक स्टार्टिंग में करनी है, पर धीरे धीरे बढ़ाइएगा, पहले 4,000 कदम चलिएगा, फिर 5,000 कदम चलिएगा, धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाइएगा और आप देखेंगे आपका जो हार्ट है बहुत हेल्दी हो जाएगा। किसी भी काम को करने के लिए आपका हार्ट मतलब स्पीड से, जैसा स्पीड से तुम कोई भी काम करते हो या आप उठते हो तो हार्ट बीट एकदम स्पीड से धड़कन करती है ना, वो चीज आपके साथ नहीं होगी, क्योंकि वो नॉर्मल उसको हैबिट हो जाएगी तेज चलने में, आपको सामान उठाने में, तो आप ये कर सकते हो। मस्तिष्क की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, याददाश्त जिसे बोलते हैं, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है जब भी आप मॉर्निंग वॉक में सुबह घूमने जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। यहाँ से आप ऑक्सीजन मिलेगी, जब ऑक्सीजन क्या है पैरालाइज क्यों होता है आदमी, जब बीपी बढ़ता है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसको पैरालाइज का अटैक आता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगी तो वहां पर कैंसर हो सकता है, जितने ज्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाएगी उतना हमारा फैट कम होगा, जितने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर में रहेगी उतना ज्यादा फैट आपके अंदर रहेगा, ये सोच है। एक मैं वीडियो भेजूंगा आप लोगों को देखना कि इसका क्या रीजन हो सकता है। जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के अंदर रहेगा उतना वेट आपका बढ़ा रहेगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में रहेगी उतना वेट आपका कम होता चला जाएगा, तो बहुत मदद करता है ये भी आपको। कैंसर से बचाओ, सुबह घूमेंगे अच्छा रहेगा, कैंसर से बचने का एक यही एक परिणाम है, इसे आप कर सकते हो सुबह सुबह,
फ्री का है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका इसमें। सुबह हैबिट बना लीजिए 4 से 5 बजे उठने की, आप कभी भी मुझे मिले देखोगे 4 से 5 बजे के उठते ही स्टेटस लगा के घूमने निकल जाता हूँ। आप अपनी हैबिट चेंज कीजिएगा, 7 बजे जो उठ रहे हैं 6 बजे उठ रहे हैं, थोड़ा 1 घंटे पहले उठिएगा, पेट साफ रहेगा जितना उतना अच्छा रहेगा, और आप देखोगे आपके अंदर बदलाव और बदलाव और बदलाव, कैंसर तक की बीमारी से सही होती है। काफी सारे कैंसर आजकल आ रहे हैं, जैसे माता बहनों को कैंसर हो रहा है, किडनी में हो रहे हैं, ओवरियन हो रहे हैं, सर्वाइकल से संबंधित समस्या हो रही है। वजन घटाने में मदद, जैसे मैंने बताया था वजन घटाने में मदद करता है, वजन आपका जरूर घटेगा इसे 40 मिनट बाद करेंगे तो जरूर होगा। इसे खाना ही पचता है, खाना खाने के बाद भी आप घूम सकते हो। रूटीन बना लीजिए, इसको रूटीन में डाल लीजिए कि मुझे शाम को भी कम से कम 20-30 मिनट घूमना है खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले मत घूमिएगा तो आपको भूख ज्यादा लगेगी, रोटी ज्यादा खाई जाएगी, आपको शेक पीने वाले दे सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद जरूर घूमेंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला आपको। थकान से मुक्ति, कौन कौन लोग चाहता है कि मुझे जीवन मतलब एनर्जेटिक रहूं मैं, कौन कौन चाहता है एनर्जेटिक रहूं, अपना एडजस्ट कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली अपने शरीर में, यस डेफिनेटली आप खुद आवाज आपके शरीर में जाएगी तो आपको जरूर ताजगी मिलेगी, आपके स्किन चमकेगी, आपको बदलाव लगेगा आपके शरीर के अंदर, ऐसा लगेगा कि हाँ मैं गौरव से तरोता जाऊ। तो आपको उसमें मॉर्निंग वॉक में जरूर टाइम निकालनी अपने लिए, वो आप अपने लिए निकालोगे। मॉर्निंग वॉक की जगह वार्निंग वॉक हो गया है, लोग मॉर्निंग वॉक नहीं जाते, वार्निंग वॉक भी जाते हैं। डॉक्टर बोलेगा कि आपको घूमना जरूरी नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अब लोग ऐसे मतलब सिस्टम आ गया है, पहले बड़े बूढ़े जाते थे घूमने के लिए, अब क्या जवान भी जा रहा है, सब जा रहे हैं, लेकिन वो मॉर्निंग वॉक है, डॉक्टर ने बोल दिया है कि अगर जितना बैठोगे हार्ट अटैक कभी आ सकता है, इसलिए कभी घूमने निकल रहे हैं। पार्क में देखो कितनी भीड़ होने लग रही है, तो ऐसी भीड़ है ना, तो आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने परिवार के साथ जरूर जाइएगा, बच्चों को लेकर जाइएगा, मॉर्निंग वॉक जरूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। ऊर्जावान, कौन कौन चाहता है कि मैं हमेशा हष्टपुष्ट रहूं, हष्टपुष्ट रहने के लिए भी आपको सुबह मॉर्निंग वॉक करनी जरूरी है, आप तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, आपके शरीर अच्छे से काम करेगा, ये फायदे आपको, ये फायदे ऑक्सीजन शरीर में पूरी जाएगी। और जब आप ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे तो हमारे फेफड़े अच्छे से काम करेंगे ना, फेफड़े अच्छे से काम करेंगे, फेफड़ों में ऑक्सीजन ज्यादा भरी जाएगी हमारे शरीर के अंदर, तो हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कार्य करने की क्षमता मेरी बढ़ जाएगी। फेफड़े अभी कोरोना काल में क्या हुआ, फेफड़े सुखड़ गए सभी के, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलने पड़ रहे थे सभी को, सभी दरवाजे बंद थे, कोई पार्क में नहीं जा रहा था, लेकिन हमने पार्क में जाना छोड़ा सर, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, हम कोरोना काल में भी पार्क में गए हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के गए हैं। तो ये फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है, आप फेफड़ों के लिए काम कीजिए, फेफड़े स्वस्थ है तो आप भी स्वस्थ है। यस, तनाव से मुक्ति, तनाव से तो मुक्ति मिलती है, डेफिनेटली मिलती है बिल्कुल, और मॉर्निंग वॉक के साथ लीजिए, खूब पानी पीजिएगा, धीमी गति के साथ स्टार्ट कीजिएगा, जो हमारे सॉक्स है जूते हैं आरामदायक पहनने, आपको ये ना हो कि मैं सेफ्टी सूज में जा रहा हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए, कोई फायदा नहीं होगा, अगले दिन आओगे सर ने बोला था सर मॉर्निंग वॉक करने के लिए मेरे तो पैर दुख रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने हैबिट को चेंज कीजिएगा, वार्म अप जरूर करें, क्षमता के अनुसार अपनी मॉर्निंग वॉक करें, और समय निश्चित करें, समय का मतलब समय का पालन होना जरूरी है, ये ना हो कि हम 8 बजे मॉर्निंग वॉक क्यों करें, जब तक तो ट्रैफिक ट्रैफिक हो जाएगा, ऑक्सीजन के जाओ कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाओगे, बीमार हो जाओगे, इसलिए बोला गया सुबह सूर्य उठने से पहले आप पार्क में जाइए, घूम के आइएगा, उसके बाद घर पे एक्सरसाइज कीजिएगा, जबरदस्त रिजल्ट आने वाले आपको। आप लोगों को शायद कुछ अच्छा कुछ लगा होगा, यस क्लैपिंग कर सकता हूँ आप सभी के लिए जो आपने मुझे इतनी देर तक सुना, और आप लोगों ने अगर नोट्स करे जरूर आपके जीवन में काम आने वाले हैं। थैंक यू।